हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने आज के न्यू ब्लॉग में। और आज भी मैं जा रही हूँ गुड़ाई करने के लिए। तो अभी पहाड़ों में ना गुड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, तो आज भी हम गुड़ाई करने के लिए ही जा रहे हैं। और सासू माँ अभी आए नहीं, और कल ना बारिश हुई थी, इसलिए देखिए आज थोड़ा मौसम साफ हो गया है और धुंध भी कम हो गई है। तो आजकल ना पहाड़ों में यही काम है घुड़ाई का, और बाकी तो कुछ है नहीं। और ये देखिए आज भी मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है और बादल आए हैं, पर बारिश हो नहीं रही है। कल थोड़ा सा बूंदा बांदी हुई थी शाम को, पर ज़्यादा तेज बारिश नहीं हुई। और आजकल पहाड़ों में चारों तरफ हरियाली छा रखी है, ये देखिए। कल के बारिश की वजह से थोड़ा आज धुंध कम हो गई है, इसलिए मौसम थोड़ा साफ हो गया है। और वो उधर हमारा गांव दिख रहा है। और पेड़ भी अब हरे भरे हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए रॉकी भी आ गया है। आजा रॉकी, ले आजा, जल्दी आजा रॉकी आजा। और ये देखिए, ये तो आपको हमेशा ही मेरे ही साथ दिखेगा। आज हम करने वाले हैं इस वाले खेत की गुड़ाई। और ये है हमारा पुराना गौशाला। पहाड़ों में ऐसे ही गौशाले होते हैं और घर भी ऐसे ही होते हैं, पत्थरों वाले। तो ये हमारा पुराना गौशाला है। आजकल यहाँ हमारे गाय भैंस नहीं है, कभी यहाँ ले आते हैं हम गाय भैंसों को, और कभी ऊपर नए गौशाले में ले जाते हैं। और आज हमें करनी है इस खेत में मंडुवे की गुड़ाई। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है चीड़ के पत्ते। ये हमने पिछले साल यहाँ पे इकट्ठा किए थे गाय भैंसों के अंदर डालने के लिए। तो हमने कर दी है इतनी गुड़ाई, और सासू जी को यहाँ पे लगी है प्यास। कुछ बोलेंगे आप हमारे फ्रेंड्स को? और ये कुछ बोलना चाहते हैं फ्रेंड्स आपको? इनको आफत आ गई है आज, धूप से हाल बेहाल हो गए। तो फ्रेंड्स, गुड़ाई करने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर, और सासू जी चली गई हैं आगे। वो हरी घास लेके चली गई हैं, और मुझे ले जाना है गौशाले से एक और मुझे ले जाना है गौशाले से सूखी घास। तो चलिए मैं पहले घास निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैं ले आई हूँ घास, और अब चलते हैं घर को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और रॉकी भी अभी यहाँ, और ये देखिए इनको, ये भी अभी यहीं पे हैं। चलो घर आ जाओ। तो मैं आ गई हूँ अब घर पे। और ये देखिए अभी पहाड़ों का मौसम, अभी है शाम का टाइम, और वो है हमारा घर। और इस खेत में हमने बो रखे हैं धान, यहाँ पे दे रखा है धान का बिजवाड़ा। तो अब धान लगाने का टाइम भी आ गया है, और कुछ दिन में हम इसको निकाल के दूसरे खेत में लगा देंगे। और ये देखिए आजकल हमारे घर पे कितने हरे भरे पौधे हो रखे हैं। सारे पेड़ पौधे आजकल हरे भरे हो गए हैं, और फूलों पे फूल भी आ गए हैं, ये देखिए। और इस शाले फूल पे तो इतने सारे फूल आ रखे हैं,
तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था अपनी एक पिछली वीडियो में अपने मिट्टी वाले किचन के बारे में। तो ये देखिए, अब हमारा मिट्टी वाला किचन भी तैयार हो गया है। तो ये है हमारा वो मिट्टी वाला किचन जो उस टाइम पे अधूरा ही बना हुआ था। तो ये रहा वो किचन और अभी पूरा बन चुका है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने इसको अंदर से कैसे बनाया है और ये कैसा बना है। तो ये देखिए, हमारा मिट्टी वाला किचन भी अब बनके तैयार हो गया है। और हमने यहाँ पूरे मिट्टी से लिपाई की हुई है पूरी इसके चारों तरफ और नीचे भी, ये देखिए। और ये है आग वाला चूल्हा, इसमें हम अब खाना भी बनाते हैं। और ये ऊपर जो बनाया हुआ है ये पंखे के लिए बनाया है ताकि धुआं ना लगे। तो ये है हमारा नया किचन मिट्टी वाला। तो ये भी बनके अब हो गया है तैयार। और इसके नीचे भी पूरा हमने मिट्टी डाल रखी है, ये देखिए। आज हमने इसकी लिपाई की है गोबर और मिट्टी से, तो अभी भी सूखा नहीं है ढंग से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए फ्रेंड्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं मिलूंगी आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।